हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम आए हैं आज़ाद अख्तर कढ़ाई खाने और हमने दो कढ़ाई मंगाई, नाम में भूल गया जब विचार कर रहे थे, पर हमने मंगा ली और मक्खन कढ़ाई। हाँ सर, मैंने बता दिया मक्खन कढ़ाई, वाट कढ़ाई। और हम वही चार बंदे और क्या कहते हैं गाइस, हारिस भाई सारे व्लॉग में नहीं आए क्योंकि कोई मसला उनको आ गया था। और हमारे साथ नजफ भाई, नजफ साहब करुणा रखे सिगम में बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे आशीष साहब, आशीष साहब छोटी दुनिया। हाँ तो गाइस, ये है अलग अख्तर का, थोड़ा सा मैं आपको व्यू देता हूँ। हम फैमिली हॉल, जो फैमिली हॉल ऊपर है ना, फैमिली हॉल ऊपर है और जो बाकी जो लड़कों वाला हॉल है वो नीचे है। मैं लड़कों वाला यानी कि दोस्तों वास्तव का जो हॉल है वो गए नीचे। और गाइस, अलग अख्तर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बना हुआ अलग अख्तर। मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, मेन्यू कार्ड आ चुका है। ओ, मेन्यू कार्ड बोल रहे भूख में सताया हुआ है और दिमाग चल नहीं रहा। मेन्यू आ चुका है गाइस और इन लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह से गाइस, खुशबू बढ़िया सब्जी, खुशबू बहुत अच्छी है। दोनों कढ़ाइयों में से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तंदूर का हमने मंगाया है। अच्छा, मैंने खाया नहीं, मैंने अपनी अभी तक मैंने अपनी प्लेट में नहीं लिंक निकल लिया। और इन लोगों को देखें आप, ये आशीष भाई ऐसे खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, अबे मार तो उतार। ब्रॉडवे वाला सीन हुआ भाई ये तो। और गाइस, ये सबकी प्लेटों में शुरू हो चुका है, मेरी प्लेट देखें आप। ये सही है, यानी कि जो व्लॉग बना रहा है उसी का नुकसान है। Oh,
मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी शुरुआत में आपने टेबल की हालत देखी होगी कैसी है और आखिर में अभी आपने देखी टेबल की हालत कैसे हो गई और ये आप हरकतें देखो जरा इनकी हरकतें देखें आपने आपको दिखा तो गाइस ये हम ये आप आचर भाई को देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई ये सब हमने खाया है और अभी हम जा रहे हैं वापस घर और आपसे घर पे मिलते हैं भाई यानी कि ये सब हमने खा के छोड़ दिया है। हमने खाना खा लिया अल्लाह दफ्तर पे उसके बाद हमने ये डिसाइड करा कि घर नहीं जाएंगे अल्पाइन जाएंगे और अभी अल्पाइन पे पहुँचे हुए हैं और बस पेट तो वैसे भरा हुआ लेकिन हमने बोला नहीं मुँह मीठा करना है पैसे बच गए थे पैसे बच रहे थे भैया तुम कर क्या रहे हो पहले ये बताओ ये अच्छी आदतें होती है चलो अच्छा अंदर चलो अंदर चलो तो कहीं आइसक्रीम ले लिए दो सारे अफशी है नहीं बंदे की अरे भाई अरे भाई रुक जा मामा इसको अच्छा अच्छा ये लो ये लो तो भाई ये दो मेरी गिर रही है यार अल्लाह की बात जल्दी करो अरे खाओ 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 ऊपर में देख बाहर देख बाहर देख अरे बाहर देख अरे यार मैं भाई मैं कुछ बोल लूँ कौन सा पहले तुम्हारा दादा बटर स्कॉच तुम्हारा कहने में करंच अबे करंच मामे मैं महाकाल सर मार रहा दीवार में और तुम्हारा कौन सा है सबने अच्छा सा खाना खा लिया मुझे लग रहा है खा लो अच्छा खा लो आपको मिलते हैं घर पे जाकर। हाँ तो गाइस ये था आज का ब्लॉग और सबसे पहली बात तो आप सोच रहे होंगे मैं बैठा हुआ कहाँ हूँ पीछे देख रहे हैं आप कहाँ बैठा हुआ मैं तो मैं बैठा हुआ हूँ गाइस छत के ऊपर अपने फ्लैट की और क्योंकि रात में जब हम आइसक्रीम खा कर आए घर पर तो सब दोस्त भी साथ में थे और इतनी बातें करी कि टाइम का पता ही नहीं चला 11:30 तकरीबन हो गए। उसके बाद फिर मैं सो गया सुबह उठा तो मैंने बोला जो अपना रूम है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है वहाँ बैठ के करेंगे तो लाइट फिर 10 बजे के बाद लाइट चली गई। उसी रूम के बराबर में जनरेटर रखा हुआ वहाँ पे 10 शोर आता है जनरेटर का। उसके बाद फिर उसी रूम में अब्बू सो रहे थे मेरे मैंने बोला मैं कुछ बोलूँगा तो ऐसा ना जुट जाएँ फिर मैंने बोला कि छत के ऊपर चलते हैं आपको मैंने अपनी छत दिखा दी आज फ्लैट की बल्कि दिखाई नहीं मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको बिल्कुल आखिर में दिखाऊंगा पहले बात करते हैं। तो छत पर रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे नहीं करी और उम्मीद करता हूँ कि आपको सही आवाज़ आ रही हो क्योंकि रोड का वॉच जो है रोड के जो साउंड है वो आ रहे होंगे पीछे से। और कढ़ाई जो हमने खाई कढ़ाई की बात करते हैं अगर खाने की बात तो मैं खुद पहली दफ़ा अल्लाह तख्तर गया था और उसके बाद ये है कि कढ़ाई जो है दोनों कढ़ाइयों को मैंने 100 में से 1000 नंबर दे दिए। और जो हमने नान मंगाई थी गाइस वो थी गार्लिक नान और गार्लिक नान का ये था कि अगर आप उसको रूखा भी खाते ना तो आप इतना खाते कि आपका पेट भर जाता है आराम से। आइसक्रीम को भी 100 में से 100 क्योंकि आइसक्रीम तो हम खाते रहते थे अल्पाइन पर और आज मैंने उसको भी फिर मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया कि अल्पाइन चलते हैं। उसके बाद फिर बहुत मज़ा आया और यानी कि नजफ़ जो है इतना एक्साइटमेंट था इस चीज़ में उसको बहुत मज़ा आता है यानी कि सभी को मज़ा आता है व्लॉग में और इसी ने मैं हफ्ते का दिन रखता हूँ ताकि कल छुट्टी हो तो किसी को कोई टेंशन ना हो स्कूल की। और असली फिर नजफ़ को इतना एक्साइटमेंट कि नजफ़ 3 दोपहर के 3:10 पर ही मेरे घर पर आ गया
फिर आज वो घर पे बैठा रहा ड्राइंग रूम में और हम लोग बातें बातें करी। मेरे मोबाइल पे पबजी खेला गया, बहुत पबजी खेला। और फिर ऐसे ही करते करते हाशिर साहब जो हैं वो आए थे, हाशिर साहब आए थे असर के बाद, हाँ असर के बाद आए थे। फिर हाशिर साहब गए इलाफ को लेने, इलाफ को लेने गए थे हाशिर साहब आधे घंटे बाद। फिर वहाँ से वो आए तो इसी वक्त फिर हारिस साहब के हम घर पे गए, हारिस साहब घर पे नहीं, उनकी अम्मी ने बोला कि वो बाहर ही है दोस्तों के साथ। फिर मैंने हारिस साहब को कॉल लगाई, हारिस भाई ने बोला कि भाई मैं सरीना पर हूँ, कोई काम है मुझे, मैं 9 बजे तक आऊँगा। मैंने बोला 9 बजे तक तो बहुत देर हो जाएगी, हम लोग जाकर आ भी जाएंगे और क्या तो फिर हम खा रहे होंगे। तो उसने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं अगले ब्लॉग में मैं देखता हूँ। तो ये सब हुआ कि इस वजह से हारिस भाई नहीं आए। और ये था सातवां ब्लॉग और मुझे लग आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी इतना मज़ा आया कि और आइसक्रीम पे या हम आइसक्रीम खा रहे थे तो बहुत मज़ा आया। और ब्लॉग के बाद जो थोड़े बहुत मैंने बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करे हैं वो सिर्फ दो ही हैं, और वो दो ही ऐसे हैं कि बस, यानी कि दोनों अलग अख्तर पे हुए। एक तो वो था कि जब हम रायते को घुमा रहे थे, जब भाई का प्लान था कि रायते को जब तुम घुमाओगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, उस वक्त हाशिर भाई घुमा रहे थे और नजफ भाई रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो दोनों ने तफरी में पता नहीं क्या करा, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। और एक दफ़ा जब मैं टेबल की जब रिकॉर्डिंग कर रहा था कि टेबल जो हमने दिखाया आपको कि टेबल पे कैसे तरीके से खाना है, यानी कि खाने के बाद जो हालत हुई थी टेबल की, जब मैंने उधर से जब मैंने कैमरा घुमाया तो उस वक्त नजफ भाई ने कुछ कारनामा करा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये था आज का ब्लॉग, और अभी मैं आपको अपनी छत का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो आज छत ये है, बड़ी गंदी छत होती है, अगर आप फ्लैटों में रहते हैं तो आपको पता है, टंकियाँ वंकियाँ सब कुछ। तो गाइस वहाँ पर है स्टेडियम, हाँ मैच चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। वो देखें वहाँ मैच चल ही रहा है, एम्पायर साहब खड़े हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा कि धूप इतनी तेज़ है। अगर मैं अपना कैमरा धूप पे लेके जाऊँ तो क्या होता है, धूप है, अरे भाई मेरी आँखें बंद हो गई। अच्छा तो वहाँ पर जियो मोबाइल, और जियो मोबाइल पर से ही नजफ भाई आते हैं हमारे घर करीब है, तो वो बंदा पहुंच जाता है जल्दी एक्साइटमेंट में। और ये है कॉलेज, यहाँ पे अक्सर आर्मी वगैरह, ओह सॉरी आर्मी रेंजर्स वगैरह आ जाती है। ये बाकी पूरी छत। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और बिहाइंड द सीन देख कर जाइएगा। और अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड आई होप यू एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। खाना किधर है?